तो मेरे यारो मेरे प्यारो, ना हो हैरान ना हो परेशान, क्योंकि लेकर आ गया हूँ एक और दुविधा का भी आज समाधान। कहने का मतलब ये है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 2.2 एक्सरसाइज एलिमेंट बुक की 12th क्लास की उसके 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में, और इस वीडियो को आप देखना ना भूलें क्योंकि बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे क्वेश्चनों के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है पहले 10 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके थे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर, और आप सबको पता है कि हमने 11th क्लास में क्या सीखा था, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, sin 2 थीटा, cot 2 थीटा, इनके फॉर्मूले हम सीख के आ चुके हैं हमारी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में। तो आज वही क्वेश्चन है, वही आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं हमारे 11th से आगे के क्वेश्चनों में। तो क्या नए नए आइडेंटिटी होंगी वो आपको मैं क्वेश्चनों के अंदर ही बताता चलूंगा, अगर आपको ध्यान ना हो तो उनको याद कर लेना, नोट कर लेना। तो चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह का है। जैसे हमारे पास 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना होगा हमें tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर के, इसके इक्वल हमें ये क्वेश्चन क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। जैसे हमारे पास 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट लिखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इसको हमें इक्वल प्रूव करना होगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों साइड लेकर चलेंगे और दोनों को हम सोल्व करेंगे, क्लियर है। तो मान लेते हैं कि देखो आप सबको पता होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है ना। तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स को इक्वल टू पुट कर देते हैं tan थीटा, क्या पुट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा इन बोथ साइड, दोनों साइड पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, बाद में हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहां लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करो, तो tan इनवर्स x देखो ये इस साइड आएगा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, थीटा। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, tan थीटा, या पुट करके बता देता हूं tan इनवर्स इनटू x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, tan थीटा कर दिया हमने, प्लस tan इनवर्स एज इट इज इनटू x की जगह पुट कर देते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये आप सबको पता है tan 2 थीटा की हमारी आइडेंटिटी होती है, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा, यहां पर आया हमारे पास थीटा प्लस, अब tan इनवर्स एज इट इज इनटू, इसको हमने पुट कर दिया tan 2 थीटा, या tan से tan इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा बचा और 1 थीटा ये, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास 3 थीटा, क्या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड 3 थीटा। अब यहां पुट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यही x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड क्या बनेगी, देखो tan इनवर्स एज इट इज इनटू 3, x की जगह पुट कर दिया tan थीटा माइनस x क्यूब यानी tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये जो आपको आइडेंटिटी दिख रही है ये हमारी होती है tan 3 थीटा की, किसकी होती है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो पुट कर देते हैं tan इनवर्स एज इट इज इनटू, अंदर पुट कर दिया हमने tan 3 थीटा, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा, यहां भी 3 थीटा, तो राइट हैंड साइड भी हमारी किसके इक्वल आई 3 थीटा के, जो हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्वेश्चन इस तरह क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन जिसमें हमने आइडेंटिटी यूज करी वही 11th क्लास वाली जो हमारी tan 3 थीटा की थी, क्योंकि tan 2 थीटा की आइडेंटिटी तो मैं बहुत बार बता चुका हूं लेकिन tan 3 थीटा की आइडेंटिटी पहली बार आई है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यानी 12th क्वेश्चन के ऊपर। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमारे पास है कि प्रूव दैट, इसको भी हमें क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू है पाई अपॉन 2 के, ये चीज क्या है हमारे पास गिवन है, ये चीज क्या है गिवन, और हमें प्रूव क्या करना होगा, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव ये करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसका जो सम होगा हमारे पास वो 1 के बराबर आएगा, ये हमें चीज क्या करनी है इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखो आप सबको मैंने जो हमारी प्रीवियस
से पहले जो बेसिक की वीडियो थी 2.2 एक्सरसाइज की, उसमें मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो फॉर्मूला बताया ही था, लेकिन साथ में ये बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। और वो क्या होता है हमारे पास, देखो आप सबको बताता हूं, जो हमारे पास अगर तीन tan इनवर्स में फॉर्मूले आ जाते हैं तो उनका हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इनटू, ध्यान रखना इस बात को, x प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का। अगर तीनों में माइनस आ जाता है तो या माइनस होगा या प्लस हो जाएगा, या तीनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव के, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया किसका, इसका, इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, पाई अपॉन टू। तो ये जो tan इनवर्स x है ये उस साइड जाएगा तो पूरा क्या बन जाएगा, tan पाई बाई टू, क्या बनेगा हमारे पास, tan पाई बाई टू। और यह क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्लियर है। और अब आप सबको पता है कि tan पाई बाई टू की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, वो होती है इन्फिनिटी। क्या होती है हमारे पास इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी। तो tan पाई बाई टू की जगह हमने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी, क्लियर है। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, क्योंकि अब अभी तक तो हमारे पास कोई से भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था कि इक्वल टू में हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए, लेकिन आप सबको ये पता है कि वन अपॉन इन्फिनिटी जो होती है ना वो जीरो के इक्वल होती है, वन अपॉन इन्फिनिटी। तो राइट हैंड साइड का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, अब जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, ये ऊपर जाएगी तो वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आया, और डिवाइड में चला गया हमारे पास ये पार्ट जो नोमिनेटर था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू। अब देखो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो वन अपॉन इनफाइनाइट, और वन अपॉन इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। अब ये जो डिवाइड वाली चीज है वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो जीरो के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, ये भी जीरो। तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये सारा उस साइड जाके जीरो हो गया। इस देखो ये सारी की सारी तीनों चीजें नेगेटिव हैं, उस साइड जाएंगी तो पॉजिटिव बन जाएंगी, यानी एक्स वाई भी पॉजिटिव, वाई जेड भी पॉजिटिव, जेड एक्स भी पॉजिटिव, और इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, वन। और यही चीज क्या थी जो हमें प्रूव करनी थी, क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे लिए ये, और इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्यों था, जिस भी बच्चे को हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस बच्चे को इस आइडेंटिटी का पता है वो अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा, बिल्कुल इजी वे से, जिसने हम जिस तरह हमने इसको क्या किया, सोल्व किया। अब चलते हैं हमारे, ये तो था 12th क्वेश्चन, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब 13th क्वेश्चन की तरफ। 13वां जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो क्या कह रहा है हमारा 13th क्वेश्चन, देखो एक बार। तो 13th क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि प्रूव दैट tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू, प्रूव करना होगा हमें पाई अपॉन 4 की, किसके इक्वल प्रूव करना होगा, पाई बाई 4 के। तो किस कैसे करेंगे, देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहला तो क्या कि हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दें, क्लियर है। आप सबको पता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस b माइनस में हो तो a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, यही होता है। या दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि वो तरीका थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, एक ट्रिकी तरीका बताता हूं, जिससे आप इस क्वेश्चन को थोड़े से इजी वे से सोल्व कर पाएंगे। किस तरह, देखो tan इनवर्स x अपॉन y को एज इट इज रख लिया हमने, क्या रख लिया, एज इट इज माइनस। अब क्या कर दिया, देखो इसमें हमने कर दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर दिया, दोनों को ऊपर भी और नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x अपॉन y हो जाएगा ये, देखो इसको भी y से डिवाइड, इसको भी y से, इसको भी y से, इसको भी y से, ऐसे करेंगे x अपॉन y बचा, ठीक है, माइनस में y से y कैंसिल होके ये क्या जाएगा, 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा x अपॉन y, और ये y से y कैंसिल होके प्लस का 1, तो हमारे पास ये आया कुछ। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो ये देखो अब tan इनवर्स x अपॉन y एज इट इज, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया और जो वो माइनस था वो मैंने या करके प्लस कर दिया, प्लस हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा tan इनवर्स इनटू माइनस कॉमन लिया है तो 1 आगे आ जाएगा माइनस का एक्स वाई अपॉन 1, ये क्या होगा, ऊपर से माइनस कॉमन लिया था ये तो सेम है 1 प्लस एक्स वाई,
लिख सकते हैं वन को आगे पीछे लिख दो प्लस में है तो। अब देखो अगर मैं इसको देखो इसको इक्वल टू थीटा पुट कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, देखो वन अपॉन एक्स अपॉन वाई है ये, एक्स अपॉन क्या है वाई। तो मैंने अब क्या कर दिया, इस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को इक्वल टू पुट कर दिया थीटा के, क्योंकि करना तो पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू पाई बाई फोर है। तो ये टेन उस साइड जाएगा तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा आ जाएगी ना। अब जहां भी एक्स अपॉन वाई है जो हमने बनाया है उसकी जगह पुट कर दो टेन थीटा, बस क्वेश्चन हो गया सोल्व। कैसे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को क्या मानना है थीटा, तो ये हो गया थीटा प्लस टेन इनवर्स इंटू वन माइनस, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा। और अब इसकी हमारे पास आइडेंटिटी है वो क्या होती है, देखो थीटा प्लस इसको हम अंदर क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं ना। तब क्या बचा हमारे पास, आ गया टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या आया थीटा प्लस पाई बाई फोर माइनस थीटा, क्लियर है। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या आया हमारे पास पाई अपॉन फोर, और यही हमारी क्या थी इसकी राइट हैंड साइड थी जो हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी, बात समझ में आई। तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन जिसको कैसे सोल्व किया। अब अगर आपका दिल ये कह रहा है कि हमें तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा मुश्किल लगा, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी की आइडेंटिटी लगाओ, लेकिन वो इससे भी लंबा पड़ेगा और मुश्किल हो जाएगा, उसको क्या करना पाई बाई फोर के इक्वल प्रूव करना। तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन जिसको हमने ऐसे सोल्व किया। अब चलते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर। तो 14th के चार पांच पार्ट है, पहले दो पार्ट लेकर आया हूं, आगे हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है कि सोल्व द इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है ये प्रूफ वाला नहीं है हमारा 14th क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना होगा इन इक्वेशनों को सोल्व करना होगा जो कि हमारे पास गिवन दे रखी है। मतलब सोल्व करने का मतलब कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू निकालना होगा या थीटा की वैल्यू निकालना होगा, इस तरह का ही होगा। जैसे हमारे पास पहला पार्ट क्या कह रहा है 14th क्वेश्चन का, वो है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टू कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू है टू पाई अपॉन थ्री, इसको हमें क्या करना होगा सोल्व करना होगा। देखो प्रूफ नहीं करना इसमें, इसमें हमें क्या करना है इनको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो टेन इनवर्स एक्स को आप सबको पता है कोट की फॉर्म में अगर मैं बदलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास यह कोट है, तो इस टेन इनवर्स एक्स को कैसे लिख सकता हूं पाई बाई टू माइनस टेन माइनस कोट इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं ना, क्योंकि पाई बाई टू माइनस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है टेन इनवर्स एक्स। आपको पता है कि पाई बाई टू माइनस साइन हो तो कोस आ जाता है, पाई बाई टू माइनस टेन हो तो कोट आ जाता है, कोट हो तो टेन आ जाता है। तो इसको हमने ऐसे एक्सपेंड कर दिया और प्लस में क्या है हमारे पास टू कोट इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू है टू पाई अपॉन थ्री, ठीक है। अब देखो टू कोट इनवर्स एक्स में से एक कोट इनवर्स जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस का टू कोट इनवर्स एक्स बचा इज इक्वल टू क्या है टू पाई अपॉन थ्री। इस पाई बाई टू को उस साइड ले जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये पाई बाई टू यहाँ प्लस का था उस साइड गया तो माइनस का हो गया पाई बाई टू, टू कोट इनवर्स एक्स एज इट इज, क्योंकि इसको सोल्व करना है बस। तो एलसीएम लिया तो छह टू टू जा फोर माइनस थ्री, फोर में से थ्री जाएगा पाई, क्या बचा पाई, तो टू कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ गया पाई बाई सिक्स। अब ये टू मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में, तो क्या बचेगा देखो हमारे पास या कर लेते हैं, ये टू नीचे गया तो कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास पाई बाई ट्वेल्व हो जाएगा, क्योंकि टू नीचे जाके मल्टीप्लाई में होगा और कोट इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी कोट पाई बाई ट्वेल्व, और यही हमारे पास आंसर होगा जो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अब इस एक्स की वैल्यू हम पाई बाई टू की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, कैसे, पाई बाई ट्वेल्व का मतलब क्या होता है 180 अपॉन 12, ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा 63 जा 30 अपॉन 2 15 डिग्री, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो अब आपको ये देखना है कि इस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपके लिए क्या होगा क्वेश्चन की तरह होगा कि कोट जो 15 डिग्री होती है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, और मैंने आपको तरीका बता रखा है किस तरह सोल्व करेंगे। इसको हम लिख लेंगे कोट 45 माइनस 30 और कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14th का पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास सेकंड, कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, सोल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है सेकंड पार्ट हमारा 14th क्वेश्चन का, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, देखो सीधा क्या कर देते हैं फॉर्मूला पुट कर देते हैं,
टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है हमारे पास टेन इनवर्स इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। देखो ये पूरा क्या है हमारे पास ए, ये पूरा क्या है हमारे पास बी, क्लियर है? तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, इनकी मल्टीप्लाई कर दी बस, इज इक्वल टू हमारे पास हमें प्रूव करना होगा पाई अपॉन फोर के, क्लियर है? तो इसको सोल्व करते हैं एक बार, टेन इनवर्स एज इट इज, क्लियर है? अब देखो इक्वल टू में क्या है, प्रूव नहीं करना, ये हमारे पास सोल्व करना है, सोल्व करना है ना, तो ये टेन इनवर्स उस साइड जाएगा तो पूरा क्या बन जाएगा टेन पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है वन, जो हमने पुट कर दी। या क्या बचा, इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम क्या होगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ऊपर लिया है एलसीएम तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस में एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसकी इसके साथ कर दी, इसकी इसके साथ कर दी, इन दोनों ही कर दी, एलसीएम हो गया डिवाइड बाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तभी तो एलसीएम होगा, क्यों? क्योंकि इसके नीचे वन है, तो नीचे आ जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और ऊपर क्या आया अब हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और माइनस में एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये एज इट इज, ये हमारा हो गया कैंसिल, तो क्या बचा इक्वल टू वन, तो ऊपर तो ये बच गया, नीचे हमारे पास ये बच गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई से क्या होगा, देखो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, कितना आया एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई टू के साथ टू एक्स, लेकिन आगे चल के माइनस वन की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे माइनस एक्स, तो 2x में से x जाएगा प्लस का आ जाएगा x, और माइनस वन की 2 के साथ माइनस टू, बात समझ में, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में, अब इन दोनों ही करेंगे प्लस, इन दोनों की x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x और माइनस टू की करेंगे माइनस टू एक्स, लेकिन आगे चलकर 1 और x की प्लस x, तो माइनस टू एक्स में से प्लस x जाएगा माइनस का x, ऐसे ही 1 और माइनस टू भी करेंगे माइनस की 2 डिवाइड बाई। अब देखो ये बचा इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुके हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर माइनस, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और वन का स्क्वायर वन, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि बाहर भी एक माइनस है और वन का स्क्वायर वन, इक्वल टू क्या दे रखा है इन्होंने वन। अब या क्या होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, या एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस टू और माइनस टू माइनस का 4 डिवाइड बाई माइनस फोर और प्लस 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आया 1, सिंपल है, इस माइनस 3 को उस साइड ले जाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस 4 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3 ये हो गया, तो प्लस का 4 और इक्वल टू क्या आया 1, क्योंकि माइनस 3 में से 4 जाएगा 1, 2 को नीचे ले जाते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, दोनों साइड रूट कर देते हैं तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू, क्या आई वन अपॉन रूट टू, क्योंकि वन का रूट वन रूट टू का रूट टू, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट इसका, क्लियर है? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दो तीन पार्ट और बचे हैं, उनको भी हम क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं, फिर हमारा क्या होगा 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो 14th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, सोल्व द टू टेन इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू दिस, इसको हमें सोल्व करना होगा, कैसे करेंगे देखो, आप सबको पता है कि टेन इनवर्स टू है, टू टेन इनवर्स कोस एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, टू टू है यानी टेन इनवर्स कोस एक्स प्लस में टेन इनवर्स कोस एक्स, यही लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू हमारे पास टेन इनवर्स टू कोसिकेंट एक्स, क्लियर है? अब देखो हमारे पास है, क्योंकि 2 था तो इनको हमने अलग अलग तोड़ दिया, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 tan inverse cos x आ जाएगा, tan inverse a plus tan inverse b का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा tan inverse into a plus b यानी cos x plus cos x 2 cos x upon 1 minus ab, ab की मल्टीप्लाई cos square x हो जाएगी, और इज इक्वल टू बचा tan inverse into 2 as it is, cosecant को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon sin x लिख सकते हैं, tan inverse से tan inverse काट दो तो क्या आया, ऊपर तो आया हमारे पास 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आया 2 अपॉन sin x, यही था, sin से एक पावर कैंसिल,
टू से ये टू कैंसिल, वन बचा, साइन एक्स एक बचा है यहाँ पर क्योंकि पावर टू थी, एक पावर ही कैंसिल हुई है, तो साइन एक्स को ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में जाएगा साइन एक्स और वन की मल्टीप्लाई, या बचा कोस एक्स और ये उस साइड जाके आ गया साइन एक्स। मतलब एक ऐसा एंगल जिसके ऊपर कोस एक्स और साइन एक्स इक्वल होते हैं वो कौन सा एंगल होता है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो इसका मेनली सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको वही इलेवंथ क्लास में जाना होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है एन पाई समथिंग, लेकिन आज हमारे पास x की वैल्यू क्या ले लेते हैं यहाँ पर पाई बाई फोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई फोर, क्योंकि दोनों एंगल किस x की वैल्यू के ऊपर इक्वल होते हैं पाई बाई फोर के ऊपर, क्योंकि वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्या कह रहा है, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये प्रूव करना होगा। ठीक है, किस तरह सोल्व करेंगे, ये हमारे पास देखो किसका फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, टेन इनवर्स वन माइनस tan inverse x, क्यों, देखो tan inverse a minus tan inverse b का फॉर्मूला लगाओ एक बार, तो क्या होगा tan inverse 1 minus x upon 1 minus ab, यानी 1 की और x की मल्टीप्लाई x, मतलब इसको जब फॉर्मूले को बंद करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू यहां क्या आया 1 upon 2 tan inverse x, यही बचा tan inverse 1 की, एक बार वैल्यू बताओ मुझे क्या होता है पाई बाई फोर, प्रिंसिपल वैल्यू सिखाई थी ना आपको, क्या हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज में tan इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4, क्योंकि यह वैल्यू क्या आएगी tan पाई बाई 4, 10 से tan इनवर्स कैंसिल पाई बाई 4, माइनस को उस साइड ले जाते हैं प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x पहले था और ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का tan इनवर्स x हो रहा है, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा, देखो हाफ tan इनवर्स x कंप्लीट tan इनवर्स x, तो 3/2 tan इनवर्स x बचा इज इक्वल टू पाई बाई 4, समझ में आया, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2 पे और ये 3 डिवाइड में आएगा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये 3 डिवाइड में आएगा तो 3 2 जा 6, तो पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू दिस। अब इस tan इनवर्स को इस साइड ले आते हैं तो या x बचेगा, तो x इज इक्वल टू पूरा हो जाएगा tan पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 1, तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या जाएगा 1, मतलब इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू 1, क्लियर है। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन जिसको हमने सोल्व कर दिया। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जल्दी ही आपकी वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चनों के साथ।